हेलो गाइस, व्हाट अप, वेलकम टू द चैनल ऑफ माइंड। मैं आपका दोस्त पीयूष और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस व्लॉग में। सो दिस इज व्लॉग नंबर 3। आज हम लोग जा रहे हैं एक मंदिर में। सो वी हैव पूजा विद अस। हेलो। सो पूजा विल टेल अस कि मंदिर कैसा है, क्योंकि उसकी बहुत टाइम से इच्छा है वहाँ जाने की। सो प्लीज कैन यू पूजा, प्लीज थोड़ा सा लाइट डालिए उस पर। हम लोग जा रहे हैं गजानन महाराज के मंदिर, जो कि है आरंगी रोड पे। और मंदिर कैसा है ये अपन वही जाके देख लेंगे। चलो लेट्स गो देयर। सो हम लोग निकल गए घर से। आज हम लोग कार लेके निकले क्योंकि बारिश हो रही थी। और ये हमारे ड्राइवर साहब जो कि ट्रैफिक में फंसा गए हैं हमको। तो मतलब कार हमने इसलिए ली थी, ये सोची कि भाई बाहर मौसम थोड़ा रंगीन हो गया है और बारिश वारिश हो रही है, तो आज कार से जाएंगे, सेफ रहेंगे सूखे सूखे। बट एक कार का ड्रॉबैक ये कि बिकॉज वी आर इनटू पुणे गाइस, और यहाँ पे ट्रैफिक इस टाइम पे बहुत ज्यादा होता है, और हम लोग करीबन पिछले 15 मिनट से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। सो आई डोंट नो अभी कितना टाइम लगेगा। क्या लगता है पूजा, कब तक जाएगा क्लियर, कब तक होगा ये यहाँ के? और मैंने एक चीज देखी है गाइस, पुणे में लाइक सीरियसली, इस पर तो पूजा भी एग्री करेगी कि पुणे में लोगों को भाई ट्रैफिक सेंस है ही नहीं। मतलब मैंने यहाँ पे देखा है बहुत से ड्राइवर्स ऐसे हैं जो बस जल्दी जाना है सबको। पूजा तुम्हारे क्या विचार है इस पे? वो तो है ही, हेलमेट ही ले लो। हेलमेट का कोई सीन ही नहीं है भाई, और सबको जल्दी जाना है और बीच में घुसा देंगे, भाई क्या सेंस है ब्रो, कम ऑन। लेट्स सी गाइस कब तक हम लोग फ्री होते इस ट्रैफिक से। तो फाइनली हम लोग ट्रैफिक से तो निकल गए हैं, और ये जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके थोड़ा सा अगर हम पीछे जाते, मतलब अगर एक विदाउट ट्रैफिक अगर आना हो तो हार्डली टेक्स अराउंड 10 मिनट्स टू रीच दिस प्लेस। यहाँ पे हम लोग कभी कभी आते हैं, पूजा जब अभी ड्राइविंग सीख रही है कार का, वैसे उसको आता नहीं है, बट कभी कभी हम लोग यहाँ आते हैं गाड़ी चलाने के लिए। पहले वी यूज टू कम रेगुलरली, बट अभी इतने में ऑपरेशन हुआ उसके बाद से नहीं आए, बट वी विल ट्राई टू कंटिन्यू इट, तो वापिस शुरू करेंगे। बट दिस प्लेस गाइस, ये मेरे घर से बहुत पास है, मतलब घर मतलब जहाँ रहता हूँ मैं। सो जस्ट लुक एट द प्लेस गाइस, जस्ट लुक एट द प्लेस, पूरा हिल्स है, और उस हिल पे लिटरली चढ़ा भी जा सकता है, और ऊपर जाके लोग बैठते भी है। यू कैन सी पीपल गोइंग देयर, जो शायद ऊपर जाएंगे थोड़ा बहुत हल्का छोटा मोटा ट्रैक करके। और लाइक द ओवरऑल व्यू इफ आई विल शो यू, जस्ट लुक एट दिस। सो ये पूरा स्पॉट है, काफ़ी सूदिंग है, काफ़ी बढ़िया है, खाली खाली रहता है ये जगह, मॉर्निंग में तो काफ़ी खाली रहता है। तो जनरली हम लोग सुबह सुबह आते हैं गाड़ी सीखने के लिए। यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट एरिया है, यहाँ पे फ्लैट्स सोसाइटी जो भी सिस्टम बन रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। तो हम लोग यहाँ रुक गए थोड़ा सा, हाँ चलते हैं। सो लेट्स गो गाइस, लेट्स कीप मूविंग, आगे बढ़ते हैं, आगे लोग भी खड़े हैं यहाँ पे, मतलब पिकनिक स्पॉट बना लिया लोगों ने इसको। चलो गाइस, ये हमारी गाड़ी सुंदर सी, जो अभी थोड़ी कीचड़ से आई है तो अभी हालत इसकी ख़राब हो रही है और होगी अभी। चलो आगे बढ़ते गाइस। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग जर्नी। इतनी बड़ी वो थी नहीं पर बन गई। अभी बज रहा है 7:15, हम लोग घर से निकले थे 6 बजे, 1 घंटा लगा है हमको, कितना, सिर्फ 13 किलोमीटर आने के लिए। बीच का एक 5-1 मिनट हटा दो फिर भी मैं बोलूँगा भाई 1 घंटा गया हमारा आराम से। सो दिस इज़ द ट्रैफिक गाइस, दैट इज़ द रीज़न कि हमको इतना टाइम लगा, और गाड़ी भी हमें बहुत दूर लगानी पड़ी है, अभी हम पैदल पैदल जा रहे हैं। सो लेट्स सी आगे क्या है, मंदिर है। दिस इज़ द ट्रैफिक गाइस, और यहाँ पे मंदिर है राइट हैंड साइड पे। हाँ अंदर चलते हैं। दिस इज द एंट्री गाइस, लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज, गजानन महाराज का मंदिर है ये। यहाँ पे लोग जो भक्त लोग आते हैं रहने के लिए वो भी यहाँ पे रुक सकते हैं। प्रोबेबली आरती चल रही है यार, यहाँ पे चप्पल उतारने। चप्पल उतार देते हैं।
सो दिस इज द प्लेस गाइस, दिस वेरी ब्यूटीफुल यार. क्या बोलते पूजा, हाउ इज इट? शेगांव की याद आ गई. शेगांव की याद आ गई. यहाँ पे लोग हैं अभी, जो पूरे जितने भी भक्त आए हैं, सो उनके रहने के लिए भी दे हैव प्लेसेस. सो हाउ इट इज पूजा? मस्त है. क्या? अच्छा है, मस्त है. सो अच्छा तो है. जस्ट सी दिस यार. ऊपर है मंदिर और काफी बढ़िया बनाया है यार. जस्ट लुक इट अराउंड. बाजू में फ्लैट्स है यहाँ पे लोग. हाँ ये फ्लैट्स है, फ्लैट सिस्टम है, बट उसके बीच में ये मंदिर है. लाइक नो वन कैन इमेजिन कि ऐसा मंदिर भी बना होगा, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल यार. ये पूरे रहने के लिए घर है, मतलब जो भी आते हैं रुकने के लिए, रुकने के पर्पज से वो लोग रुक भी सकते हैं. पूजा योर व्यूज अबाउट द प्लेस. क्या ही बोलना है, फील करो बस. फील करो. नाइस, काफी अच्छा मेंटेन्ड है. Enjoy the nature. Look at the view, guys. It is beautiful. देव देवस्थळ इथे आहे की वरती आहे? वरती इथे का मग? अच्छा, महाराजांची गादी आहे का यहाँ पे? महाराज की गादी है, गजानन महाराज की. आएंगे यहाँ पर भी. लेट्स सी, अगर अंदर हमें वीडियो निकालने मिला तो आई विल ट्राई टू कैप्चर समथिंग. तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, बट यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, सो यहाँ पे हमको वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा. बट यस, हम लोग दर्शन करके आते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं. ओके गाइस, सो हमारे दर्शन हो गए और हम लोग वापस आ चुके हैं नीचे. सो जो ऊपर, सबसे ऊपर वाला जो प्लेस है, वहाँ पे गजानन महाराज की मूर्ति है. उसके नीचे वाला जो सेक्शन है, वहाँ पे उनकी गादी है. सो ये दो चीज़ें मेन प्रतीक है उनका. और जो नीचे वाला एरिया है, वहाँ पे इट इज़ ऑल्सो अ ध्यान केंद्र, सो यू कैन मेडिटेट. सो यस, इट इज़ अ वेरी सूदिंग प्लेस, काफ़ी रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है और द नेचर इज़ वेरी ब्यूटिफुल और काफ़ी अच्छा है. नीचे उतरते वक्त यू कैन गेट पासेस फॉर महाप्रसाद. यहाँ पे महाप्रसाद भी होता है, सो पूजा के पास पासेस हैं. सो आप महाप्रसाद भी यहाँ पे ले सकते हैं. जो आप जैसे एंट्री करते हैं, तो वहीं पे एक पूरा सेक्शन बनाया है महाप्रसाद का. और बाकी अगर आप बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो यू कैन सी ये जो प्लेसेस हैं, दीज आर प्लेसेस टू स्टे. जितने भी भक्त हैं, अगर आप लोग बाहर से आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं. सो वो भी अरेंजमेंट्स यहाँ पे की हुई है. सो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ अस. एंड यहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे महाप्रसाद लेने. बारिश हो रही है गाइस, सो और ज़्यादा गीला नहीं होना चाहते हम लोग. सो लेट्स मूव अहेड एंड एंड दिस व्लॉग यहाँ पे. अगर आपको हमारा थोड़ा भी एफर्ट पसंद आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.